एवरीवन, वेलकम बैक टू चैम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी क्विली। क्वेश्चन नंबर 1 है, चैसर लिव ड्यूरिंग द रेंस ऑफ एडवर्ड थर्ड, रिचार्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ। अर्थात किंग एडवर्ड थर्ड, रिचार्ड सेकेंड और हेनरी फोर्थ के शासनकाल में इनका जीवन यापन हुआ था, कौन? चैसर का। चैसर के अंदर डिटेल्स वॉज रिटेन इन 1387 टू 1400, यानी 1385 से लेकर के 1400 के बीच में लिखा गया है। बहुत सारे स्टोरीज जो है कैंटरबरी टेल्स के वर्स में लिखे गए हैं और कुछ प्रोज में लिखा गया है, ठीक है, इसको अभी आपको ध्यान रखना होगा। कैंटरबरी टेल्स बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड ऑफ चौसर्स लिटरेरी कैरियर, ये भी ध्यान रखिएगा। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन 1066, अर्थात 11th जो सेंचुरी है इसकी बात कर रहा है। वाइक्लिफ बाइबल वॉज पब्लिश 1382, वाइक्लिफ का जो बाइबल है वो पब्लिश 1382 में हुआ था। और हम बात कर लेते हैं विलियम लैंगलैंड्स, द विजन ऑफ विलियम कॉन्सर्निंग पियर्स द प्लाउमैन वॉज रिटेन इन, तो कह रहा है कि पियर्स एंड प्लाउमैन, ये भी ध्यान रखिएगा, विलियम लैंगलैंड का है और लिखा गया है कब, 1370 to 1390, ये देखिए, ठीक है। आगे कह रहा है द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंटरविल वॉज पब्लिश्ड इन 1400, द 100 ईयर्स वॉर वॉज बिगन इन 1337, यानी 14th सेंचुरी में। आगे कह रहे हैं कि 100 ईयर्स वॉर वॉज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 1337 से लगभग 1446 के आसपास में चला था, ध्यान रखिएगा, लगभग 100 से ऊपर चला था। आगे बता रहे हैं कि वाट टेलर रिवेलियंस टुक प्लेस इन 1381, तो अगर 1381 की अगर बात करते हैं तो वॉट टेलर्स रिवेलियन टुक प्लेस। नेक्स्ट है, द वार ऑफ रोजेस वॉज फॉट बिटवीन द हाउस ऑफ यॉर्क एंड द हाउस ऑफ लंकास्टर, ये ध्यान रखिएगा। अगर वार ऑफ रोजेस की अगर बात करता है तो किन के बीच लड़ा गया था, तो कह रहे द हाउस ऑफ यॉर्क एंड द हाउस ऑफ लंकास्टर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द वार ऑफ रोजेस वॉज फॉट ड्यूरिंग द पीरियड 1455 to 1485, ये भी ध्यान रखिएगा, 1455 से लेकर के 1485 के बीच में द वार ऑफ रोजेस लड़ा गया था। थॉमस मलोरी की बात कर रहा है, थॉमस मलोरी मोडी आर्थर वॉज रिटेन इन 1470 एंड पब्लिश्ड इन 1485, पैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप इन इंग्लैंड, ये भी ध्यान रखिएगा, शायद 1476 की बात कर रहा है पैक्सटन की। आगे कह रहा है कि थॉमस मूर उतोपिया वॉज पब्लिश इन 1516, लैटिन की अगर बात करते हैं तो 1516 की बात कर रहा है, इंग्लिश की बात करें तो 1551 की बात कर रहा है, क्या, थॉमस मूर का उतोपिया। द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी रोस्टेड ऑयस्टर वॉज रिटेन इन 1550 बाई निकोलस उडाल, जो पहला कॉमेडी बोला जाता है रोस्टेड ऑयस्टर, वो निकोलस उडाल के द्वारा लिखा गया है। रोस्टेड ऑयस्टर वॉज रिटेन बाई निकोलस उडाल। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजडी गोरबडक, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिटेन इन 1561। गोरबडक वॉज रिटेन बाई थॉमस सिक्विल एंड थॉमस नॉर्टन। टोटल मिसलेनेसी वॉज पब्लिश इन 1557, कह रहा है कि जो टोटल्स मिसलेनसी है, मिसलेनी होगा, मिसलेनी जो है वो 1557 में पब्लिश हुआ था। क्वीन एलिजाबेथ एसेंडेड द थ्रोन इंग्लैंड इन 1558 और आपका जो अंत था वो 1603 था। ग्लोब थिएटर की बात करते हैं, ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ट इन 1599, द एलिजाबेथन एज कवर्स द पीरियड 1588 to 1603, मैंने अभी बोला ही है। द लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स वॉज क्रिस्टोफर मॉर्लो, ठीक है, क्रिस्टोफर मॉर्लो जो था यूनिवर्सिटी विट्स का लीडर था। थॉमस नॉस, ठीक है, थॉमस कीर वगैरह इस तरह के, लॉज नॉस इस तरह के साथ यूनिवर्सिटी विट्स थे। आगे बता रहा है कि मार्लोस फर्स्ट ट्रेजडी वॉज टेम्बरलैन द ग्रेट, टेम्बरलैन द ग्रेट 1587। शेक्सपियर रोड 37 प्लेस ड्राइडन ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर एंटोनियन क्लियोपात्रा, इसको स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ड्राइडन का जो ऑल फॉर लव है वो शेक्सपियर के एंटोनियन क्लियोपात्रा के पर बेस्ट लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। शेक्सपियर सोनेट वेयर पब्लिश इन 1609, 1609 में विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स पब्लिश हुए थे कॉन्डेल हेमिंग्सॉ के साथ के द्वारा। द हीरो ऑफ स्पेंसर फेरी क्वीन इज किंग आर्थर, ये भी है। स्पेंसर फेरी क्वीन इज डेडिकेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ। स्पेंसर डेडिकेटेड हिज सिफर्ड कैलेंडर टू फिलिप सिडनी, ये भी ध्यान रखना है आपको, जो फेरी क्वीन था वो क्वीन एलिजाबेथ को समर्पित किया गया था। और ठीक है, और कह रहा है कि जो सिफर्ड कैलेंडर था
स्पेंसर का है और फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया गया था। जॉन लिलीज यूफेमियस यूफेयस एनाटॉमी ऑफ वीट पब्लिश इन 1579 एंड वॉज कंटेम्पररी विथ सीफर्ड कैलेंडर। तो कह रहे जॉन लिली का जो यूफेयस है वो कंटेम्पररी रहा है सीफर्ड कैलेंडर का, और सीफर्ड कैलेंडर किसका था, स्पेंसर का था। आगे कह रहा है कि व्हाइट डेविल एंड डचेस ऑफ माल्फी वेयर रिटेन बाई जॉन बेवस्टर। तो कह रहे हैं कि व्हाइट डेविल और डचेस ऑफ माल्फी ड्रामा है जॉन बेवस्टर का। बेन जॉनसन्स प्ले एवरी मैन इन हिज ऑनर ह्यूमर कह सकते हैं वॉज पब्लिश इन 1598। जो बेन जॉनसन का पहला प्ले था एवरी मैन इन हिज ऑनर वह 1598 में पब्लिश हुआ था, ध्यान रखिएगा। बेन जॉनसन इज़ नोन फॉर हिज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। तो बेन जॉनसन जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए जाने जाते हैं। ये रहा आज का वीडियो, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।